ग्रेटर नोएडा में कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक फार्म हाउस में पार्टी करना कुछ लोगों को भारी पड़ गया। पुलिस ने पहले छापेमारी की, फिर एक साथ 61 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखिए, ये ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 135 में यमुना नदी के किनारे बने एक फार्म हाउस की तस्वीर है, जहां पूल पार्टी के लिए टेबल पर विदेशी शराब, बियर, हुक्का से लेकर नशे का हर साजो सामान मौजूद है। इस पार्टी की सूचना पुलिस वालों को मिलती है, फिर नाइट कर्फ्यू के दौरान वीकेंड पर मौज मस्ती के लिए कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर हो रहे नशे की पूल पार्टी में खलबली मच जाती है। पुलिस की छापेमारी के बाद देखिए कैसे हरे भरे मैदान में एक कतार में 45 नौजवान लड़के बैठे हैं। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान नीले रंग के पानी से बाला भरे फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में 61 लोग पूल पार्टी मनाने के लिए जमा हुए थे, तभी पुलिस और आबकारी विभाग को पार्टी की भनक लग गई। नोएडा पुलिस ने जाल बिछाकर पार्टी के दौरान रेड डाली। 45 लड़के और 16 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पार्टी में शामिल सभी 61 लोग को महामारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने बीते एक हफ्ते में तीसरी बड़ी नशा पार्टी का खुलासा किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।